आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों, भिवंडी के पद्मनगर इलाके में कल रात एक हंगामा बरपा हो गया। जी हां, गणेश की मूर्ति जिस कारखाने में बनाई जाती थी और उसी कारखाने में रखी हुई और बची हुई जो गणेश की मूर्तियां थी उसे किसी ने तोड़ दिया, जिसके बाद उस इलाके में हंगामा बरपा हो गया। रात भर यह हंगामा यूं ही चलता रहा और पुलिस ने नामालूम अफराद पर जो है FIR दर्ज कर दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि इस वारदात को किसने अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी भिवंडी से एक बड़ा जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा था और वो जय श्री राम के नारे लगाकर अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद लीडरान और पुलिस ने सारे लोगों से कहा है कि हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, बस हमें थोड़ा सी वक्त दे दे, क्योंकि जब तक हम मामले की गहराई तक नहीं जाएंगे हम मुजरिम को पकड़ नहीं सकते। वहां पर लोगों को समझाकर शांत किया गया और उन्हें अपने अपने घर जाने के लिए कहा। इसी वारदात की खबर जब खासदार बालिया मामा को लगी तो बालिया मामा खुद स्पॉट पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने मीडिया से कहा, रात को जो भी दुर्घटना हुई, गणपति बाबा की जो मूर्तियाँ थी उनके बारे में जो भी दुर्घटना हुई, सबसे पहले तो ये निंदनीय बात है, पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह भी आगे चल के पुलिस भी उनका जायजा ले रही है, मालूमत ले रही है, आगे जाके अपने को समझेगा कि क्या हो रहा है। पर इतना बात तो पक्का है, जो यहाँ का पूरा एरिया अपना हिंदू एरिया ही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हिंदू मुसलमान का वगैरह बात नहीं है, पर जो भी कोई विक्षिप्त आदमी भी लोग भी रह सकते हैं, तो अपने को एक दो दिन के अंदर पता चलेगा।